मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने नेशनल पावर की बात करी थी। नेशनल पावर का अर्थ, विशेषताएं और जो राष्ट्रीय शक्ति है वो किस रूप में कार्य करती है। जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पावर। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम जो दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय हित की अवधारणा, अर्थात नेशनल इंटरेस्ट द कॉन्सेप्ट्स। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में मैं इसकी मीनिंग और इसकी करेक्टरिस्टिक बताऊंगी, और जो दूसरा भाग है उसके प्रकार और उसकी समीक्षा के बारे में बताऊंगी। तो जो नेशनल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो सबसे पहले राष्ट्रीय हित की बात भी मार्गुंथू ने प्रारंभ करी थी, और राष्ट्रीय शक्ति की बात भी मार्गुंथू ने परिभाषित करी थी, क्योंकि शक्ति शब्द का जो अर्थ का प्रयोग है वो मार्गुंथू ने सर्वप्रथम किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा का बड़ा स्थान है, यह विदेश नीति का प्राण तत्व है, और यदि विदेश नीति राष्ट्रीय हित का रक्षण करने में सफल होती है तो उसे सफल विदेश नीति भी कहा जा सकता है। अब राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या है? तो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम यदि साधारण भाषा में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं। यह राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होती है। इसलिए 1947 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। इसलिए मार्गुंथू के राजनीति दर्शन का तत्व भी राष्ट्रीय हित रहा, और इन्होंने शक्ति अर्थात पावर कहकर उसे संबोधित किया है या उसे पुकारा है। अब जब हम इसके बिल्कुल निकट में पहुंचते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो हम ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति व सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के बारे में कई विद्वानों ने भी अपने पुस्तक के माध्यम से इसके अर्थ को बतलाने की कोशिश करी है। जैसे पैडल फोर्ड और लिंकन ने ये कहा है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी है। ये मूल्य हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, और राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता से क्या मतलब है कि जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ पर जो राज्य है वो विखंडित ना हो, उसकी अखंडता बनाए रखना, और सीमाओं की सुरक्षा। इससे तात्पर्य कि हम जिस देश में निवास करते हैं उसकी सीमा जिस दूसरे राज्य के साथ मिलती है उसकी सुरक्षा बढ़ाना या उसकी सुरक्षा करना। ये पैडल फोर्ड और लिंकन ने राष्ट्रीय जो हित है उसको परिभाषित किया है। कभी कभी राष्ट्रीय हित शब्द का प्रयोग लक्ष्यों के विशेषण के लिए भी किया जाता है। इसके अर्थ में अस्पष्टता का बोध होता है, इसलिए हम इसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। एक सिबरी हुए हैं, पॉल सिबरी, इन्होंने भी इस अस्पष्टता को व्यक्त करते हुए बताया है कि राष्ट्रीय हित शब्दावली का प्रयोग कम से कम तीन अर्थों में होता है। उन्होंने इसके तीन सीक्वेंस बताई हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है। हम अब तक केवल राज्य की अवधारणा को पढ़ते रहे। जहां हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, वहां पे राजनीति विज्ञान की भूमिका बिल्कुल भिन्न प्रकार की हो जाती है। तो पॉल सिबरी ने क्या कहा कि राष्ट्रीय हित के विचार में भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे आदर्श लक्ष्य शामिल हैं जिन्हें कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि राष्ट्रहित का अन्य महत्वपूर्ण अर्थ वर्णनात्मक है। इस अर्थ में राष्ट्रीय हित का अर्थ उन लक्ष्यों से है जिन्हें कोई भी राष्ट्र निरंतर अपने नेतृत्व के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब इस अर्थ में उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति को कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं माना, अर्थात स्पिरिचुअल नहीं माना। इन्होंने क्या कहा, ये यथार्थ परक है, यानी राष्ट्रीय हित को देखा जा सकता है, महसूस किया जाता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए ये आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप समझने का प्रयास करना, और जो मैं आपको अर्थ और विशेषताएं बतला रही हूँ इसको पुनः आप पढ़ना और इसको ध्यान में केंद्रित करना,
इसके बावजूद भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हित से अभिप्राय उन लक्ष्यों से हैं जिन्हें किसी राष्ट्र के कर्णद्वार स्वीकार करते हैं। यानी जब एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण होता है तो उस राज्य के साथ उसकी शक्ति अपने आप ही जुड़ जाती है, इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट और ये बड़ी महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा मार्गंतु बार बार करते हैं। अब ये जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं या जो इसका अर्थ बताए हैं, तो कुछ दो तीन पॉइंट्स में शक्ति की कुछ विशेषताएं भी आती हैं जिसको मैंने यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करी है। इसमें पहला पॉइंट होता है कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति का आधारशिला है। शक्ति तो सब राज्यों के पास है और राष्ट्रीय हित यानी शक्ति का प्रयोग हम अपने देश के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं ये बतलाने का प्रयास किया है, और पहला पॉइंट भी इसी को दृष्टिगोचर करता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक देश के आर्थिक नैतिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक सामाजिक विचारधाराएं व विश्वास, ये राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। क्योंकि हर देश की संस्कृति अलग होती है, विचारधाराएं अलग होती हैं, उनकी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो भी भिन्न प्रकार होते हैं, इसलिए इसके जो राष्ट्रीय हित है उसके निर्माण में ये सारे तत्व भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि भारत की विदेश नीति का जो ध्येय है उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। अर्थात जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है तो शक्ति उसे मिल गई थी, अब उसका हित क्या है, अपने देश की सुरक्षा स्थापित करना। तो बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय हित का प्रथम भाग था। इसका द्वितीय जो भाग है उसमें हम राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आवश्यक रूप से समझ में आ गया होगा।